गुना मध्य प्रदेश से योगेश लोधा की रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग, रीवा जिले में जमीनी विवाद के चलते दो महिलाओं को मुरम डालकर जमीन में दबाकर मारने की कोशिश की गई। इस अमानवीय कृत्य को देखकर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है और पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने में असफल है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी घटना को लेकर आज महिला कांग्रेस गुना के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। समस्त कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी गणों के साथ विरोध प्रदर्शन हनुमान चौराहे पर किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी धरना में शामिल हुए, जो देखा सो दिखाया। पुतला दहन यहाँ कांग्रेस कमेटी, हमारे जिलाध्यक्ष जी मेहरबान सिंह धाकड़ जी व समस्त कांग्रेस व महिला टीम द्वारा यहाँ पर रीवा में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हमने पुतला दहन भी किया गया। रीवा में कल की घटना है, कल दोपहर पर किसी जमीनी विवाद था और दो महिलाओं को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश कर उन्हें मारने की कोशिश की गई है। यह एक बहुत ही बड़ी घटना है, अमानवीय घटना है। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप किसी भी जिले में देख लो, अभी सागर में एक बच्ची के साथ अपराध हुआ है। रोज आप पेपर पढ़ो तो हर जिले में रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इन घटनाओं पर रोक लगाने में बिल्कुल ही असफल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से नंबर वन पर अपराधों में मध्य प्रदेश पहुँच चुका है और देश भी महिलाओं पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह महिलाओं पर अत्याचार होते रहे और महिलाओं पर अत्याचार पर रोक नहीं लगाई गई तो महिला कांग्रेस यहाँ बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश गुना सहित पूरे देश में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।